बारे में बातचीत करने वाले। ये साइंटिफिक लोगो होता क्या है? साइंटिफिक लोगो का मतलब ये होता है कि एक लोगो इस तरह से बनाया गया है जिसके कारण आपकी कंपनी में वो सब चीजें हो रही है जो आप करवाना चाहते हो। अगर आपने लोगो नॉर्मल तरीके से बनाया है तो आपके पास जो अभी का सिंबल है, अभी जो लोगो है, वो लोगो के कारण आपकी कंपनी में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस माइंडसेट के कारण हो रहा है। हर एक लोगो में कुछ शेप्स होते हैं और हर एक शेप का अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर आपने वास्तुशास्त्र का स्टडी किया है या वास्तुशास्त्र के बारे में आप थोड़ा भी जानते हो तो आपको पता है कि वास्तु में वो लैंड को अच्छा माना जाता है जो स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है। वास्तु में सर्कुलर चीजों को उतना शुभ माना नहीं जाता है, ट्रायंगुलर चीजों को उतना शुभ नहीं माना जाता है। सिमिलरली हर एक शेप का एक मीनिंग होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। हर एक कलर जो आपके लोगो में है उस कलर का एक मीनिंग आपको पता है कि आपका बिजनेस में जो अभी इंसिडेंसेस हो रहे हैं और आपके बिजनेस में जो लॉसेस हो रहे हैं, आपको बिजनेस में जो स्ट्रगल हो रहा है वो हो सकता है आपका ही एक क्रिएशन। सच में जो भी आपके लाइफ में होता है वो आपका ही क्रिएशन होता है। पर आपका एक और क्रिएशन है आपकी कंपनी के लिए, वो है आपका कंपनी का लोगो। अब ये क्रिएशन जो है वो अपनी मस्तिष्क के लिए, अपने मन के लिए एक सिंबॉलिक लैंग्वेज, एक अफर्मेशन है जिस कारण अपना माइंड कुछ समझता है और वो माइंड जो समझता है वो अपने लाइफ में लेके आता है। तो अब जो ये लोग आपने डिजाइन किया हुआ है एक साधारण ग्राफिक डिजाइनर से, तो अब ये लोगो के कारण आपके लाइफ में वो सब चीजें होने चालू हो जाएगी जो ये लोगो डिपिक्ट करता है। आपके वो ग्राफिक डिजाइनर ने जब ये लोगो डिजाइन किया तब उसने सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू और कंसेप्चुअलाइजेशन के ऊपर काम किया हुआ है। उसने किसी भी तरह का साइंस इसमें यूज नहीं किया है जिसके कारण आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में वृद्धि हो। तो अब क्या हो जाता है, ये लोगो में जो भी खामी आए उसके कारण आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में वो सब तकलीफें आना चालू हो जाती है जिस तरह का ये लोगो बना हुआ है। अब ये लोगो सब वो चीजें अट्रैक्ट करेगा और आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये सब चीजें मैं क्यों सहन कर रहा हूं। और अगर आपने हम लोगों से लोगो डिजाइन करवा के लिया जहां पे हम साइंटिफिक तरीके से वो सब चीजें उसमें डालेंगे जिसका नाम आपका बिजनेस बढ़ता है, तो दोस्तों ये बहुत ही कम कीमत है आपके इतने बड़े बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये बहुत ही कम कीमत है आपके लाइफ में एक शांति लाने के लिए। ये बहुत ही कम कीमत है आपकी बिजनेस में शायद शांति लाने के लिए। तो दोस्तों आपने ये साइंटिफिक लोगो हमसे डिजाइन करवा के लेना चाहिए जहां पे आपके मस्तिष्क और मन को हम लोग वो संकेत देंगे जिसके कारण आपके लाइफ में वो चीजें होगी जिसके कारण आप वो अचीव करोगे जो आप चाहते हो। धन्यवाद। ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। आपने जिस तरह से वो लोगो का प्लेसमेंट किया है अपने कार्ड के ऊपर, अपनी कंपनी के बोर्ड के ऊपर, अपनी कंपनी के वेबसाइट के ऊपर, उसका एक मीनिंग है सबकॉन्शियस माइंड के लिए। आपने जिस तरह के फॉन्ट्स यूज किए हैं अपने लोगो डिजाइनिंग में, उसका भी एक मीनिंग है सबकॉन्शियस माइंड के लिए। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब हम लोग लोगो का डिजाइनिंग करते हैं आपके लिए, जहां पे आपका बिजनेस की ग्रोथ होती है, आपका बिजनेस में उन्नति होती है और आप ज्यादा पैसा कमाते हो, आपके वर्कर आपको ज्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं, आप जाओ या ना जाओ कंपनी में फिर भी कंपनी अपने आप रन होने की क्षमता को पैदा कर सकता है। अगर आप उस कंपनी में इस तरह के लोगो डिजाइनिंग के साथ काम करते हो तो आप हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में बैलेंस प्राप्त कर सकते हो। तो हम लोग साइंटिफिक लोगो डिजाइन करते हैं और ये साइंटिफिक लोगो डिजाइन करते समय हम लोग शेप्स, कलर, प्लेसमेंट और फॉन्ट्स, ये सब चीजें देखते हैं। हम लोग आपके बिजनेस के अनुसार जो चीजें रिक्वायर्ड है आपके लोगो में उसको मद्देनजर रखते हुए लोगो बनाते हैं। और इस ये करते समय हम एस्थेटिक वैल्यू का भी उतना ही ध्यान रखते हैं। कंसेप्चुअल, ग्राफोलॉजिकल, साइंटिफिक लोगो डिजाइन करने में हम लोग बड़े माहिर हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप अपना लोगो हमारे से बनवाएं। हम अगर आपका लोगो डिजाइन करते हैं तो हम जो चीजें लिख के देंगे, बोलेंगे आपको कि ये सब चीजें आपके बिजनेस में होगी, तो वो जरूर